सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी की परीक्षा में ज्यादातर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि सभी के प्रश्न भिन्न होते हैं। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिनके बारे में बातें तो सभी करते हैं लेकिन महसूस कुछ ही लोग करते हैं। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने अहंकारों से नहीं। आज का पंचांग 8 अप्रैल 2020, दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 6:07 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:03 से 1:36 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अगर आज आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:33 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्या राशि 8 अप्रैल 2020, दिन बुधवार, आज के दिन नई शुरुआत के लिए बिल्कुल सही है। आज आप अपने आप को पीछे ढकेलने वाली चीजों से मुक्त महसूस करेंगे। किसी ने औसन में जिंदगी बदलने की क्षमता है लेकिन आपको इसे समय रहते पकड़ना होगा। समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सब जानते हैं, इसलिए समय, मांग और संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन भौतिक रूप से संतोषजनक रहेगा लेकिन सतर्क रहें। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज उचित मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नत करें। अपने मन में छुपे कुछ कलात्मक विचारों को आप दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, अर्थात आपका कलात्मक रूप सामने आएगा। इसका प्रयोग करके आप अच्छा धन अर्जित भी कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सावधानियां, राजनीतिक लाभ के लिए पूरे जोर से कोशिश करनी पड़ सकती है, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा जनसंपर्क साधने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी अच्छी मिल सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज के दिन कुछ पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। आप अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ समय बिता सकते हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए अपने साथी से अच्छे से बात करनी होगी और उनके ऊपर गुस्सा नहीं करनी होगी। अंतरंग से मुलाकात आपको करनी चाहिए। अब पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिकता बनेगी। करियर की बात करें तो आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवहार करने वाले लोगों के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोग को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। सेहत की बात करें तो आज का दिन अपने स्वास्थ्य में सुधार और अपनी सेहत के लिए कोई दृढ़ संकल्प वाला कदम उठाने में बिताना चाहिए। आज आप काफी सख्त शारीरिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कोई डाइट भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह भी तय है कि आप चाहे जो करें या जो सोचें उस पर आसानी से चल पाएंगे। आप मानसिक सेहत के लिए भी सांस के एक्सरसाइज तथा योग आदि कर सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।